प्यार हुआ, इकरार हुआ, मिलन भी हुआ, पर इन दोनों के बीच जुदाई की तलवार भी ताउम्र लटकती रही। कुछ ऐसी थी राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर की कहानी। आज से 68 साल पहले राज कपूर ने जब कृष्णा को सफ़ेद रंग की साड़ी में तानपुरा बजाते देखा था, तब एक ही नज़र में उन्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन मिलन के महज 4 महीने बाद शुरू हुई कृष्णा की अग्नि परीक्षा। शादी में उस वक्त के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार भी आए थे। उनकी एक झलक पाने के लिए कृष्णा बेचैन हुए जा रही थी। ये देखते ही राज ने तय कर लिया कि वो इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता खुद को साबित करेंगे। इस दौर के जाने माने फिल्मकार केदार शर्मा ने राज कपूर की नीली आंखों में सिनेमा के लिए गहरा लगाव देखा और बतौर हीरो उन्हें फिल्म नील कमल में अभिनय का पहला मौका दिया। बचपन में हमने उनका गाना जब देखा था तब से बार बार देखते ही रहे। आज भी जब टेलीविजन पे वो गाना चलता है प्यार हुआ इकरार हुआ तो आंखें कुछ चिपक सी जाती हैं टेलीविजन के स्क्रीन से। और वो जो केमिस्ट्री थी राज कपूर और नरगिस की, वो तो किसी ने रिक्रिएट की ही नहीं। राज कपूर, यू नो, यू द मैन विद द ह्यूज ईगो वन थिंग, एंड यू द वेरी बिग यू नो पर्सन, एंड क्रिएटिवली ही इज वन ऑफ द greatest filmmakers, if you take in the modern thing era, the last 50 years or what, he was like that. So he couldn't take this, probably she was the first woman who walked out on him, which he never expected. Raj Kapoor par likhi jeevani mein, Krishna ne is daur ko yaad karke bataya. Raj rozana peekar ghar aate the aur bathtub mein let kar bas rote rehte the. Aap kya samajhte hain, wo mere liye rote the? Nahin. वो उसके लिए रोते थे। कुछ महीने बाद राज अपनी पत्नी कृष्णा और नरगिस अपने पति सुनील के साथ एक पार्टी में पहुंचे। कहा जाता है कि नरगिस ने यहाँ कृष्णा से माफी मांगी। कृष्णा ने एक इंटरव्यू में बताया था, नरगिस खुद मेरे पास माफी मांगने आई, कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें दुख है, उन सारी तकलीफों और मुश्किलों के लिए जो उनकी वजह से मुझे झेलने पड़े। मैंने उन्हें बीच में ही रोका और कहा, भगवान के लिए अब इसके बारे में कुछ मत बोलिए, अब सब खत्म हो चुका है, इसके लिए अब दुखी होने की जरूरत नहीं। आपके साथ नहीं तो शायद ये किसी और के साथ होता। वैसे राज कपूर का नाम उनकी कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ चुका है। That Krishna ji walked out of the house with the children. She came and stayed at the Nataraj Hotel, and then she moved in. You know, I think she went to her house. She took the children, kids, and went away. Until then, there was no conflict. And even with Padmini, Krishna ji had some problem. But Nargis, no, she never opposed it. She didn't do anything because his career had begun with her, and she had played a very crucial role. फिर वक्त ने करवट ली, राज बुरी तरह सांस की तकलीफ के चपेट में आ गए, हालत बिगड़ी, एम्स में भर्ती कराया गया। कृष्णा और डॉक्टरों की टीम ने दिन रात मेहनत की, राज की सेवा की, लेकिन 1988 में राज हमें अलविदा कह गए। लेकिन कृष्णा राज कपूर ने हिम्मत नहीं हारी, कपूर परिवार को ऐसे जोड़े रखा कि आज हिंदी सिनेमा जगत के लिए राज कृष्णा की जोड़ी किसी मिसाल से कम नहीं। इस पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक और मिलन की कहानी।